अब ये क्या आफत है? जय श्री राम। ये अच्छा संकेत है गुरुजी। ए, इन्हीं से केस लड़ने के लिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। हुँ? अच्छा संकेत है। जय श्री राम, जय श्री राम। ए, मुझे नहीं, चल भाग, चल गाड़ी चला। आज केस का पहला दिन है। ये केस एक्सेप्ट होगा भी या नहीं, ये जानने के लिए सारा देश उत्सुक है। यहाँ भगवान के बहुत सारे भक्त गोपाल राव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्वामी कोर्ट आ रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कोर्ट में आना पड़ा? स्वामी जी, मिस्टर गोपाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपने ये केस क्यों किया? सर, सर, गोपाल सर, सर, सर। आदाब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा जान ने मुझे भेजा है, आप वहाँ बैठ जाइए। देखो, जज ने कुछ पूछा। हाँ। तो ए, ढोकला चोर, अब वो रोलेक्स कैसी है? सही टाइम दिखा रही है? गुस्सा नहीं, वहाँ जाके बैठो। 10 लाख की घड़ी चोर कहीं का। मेरे मोक्ष कुंड यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है वो पापी। मेरे श्राप की वजह से आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है। यही वो दुष्ट है। साइलेंस। गुरुजी खड़े हो जाइए। हरिदास गोपाल राव। प्रेजेंट सर। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या तुम अपना केस खुद लड़ोगे? सर, कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अपने केस की पैरवी मैं खुद ही करूंगा। माय लॉर्ड, ये एक बेसलेस केस है, डन जस्ट फॉर पब्लिसिटी। फर्दर कोर्ट हियरिंग्स के लिए कोई वजह ही नहीं है। सो आई सजेस्ट अंडर ऑर्डर 7, रूल नंबर 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, इस केस को स्ट्रेट अवे डिसमिस किया जा सकता है फॉर आउट ऑफ क्लॉज एक्शन। थैंक यू। सर जी, मुझे कोर्ट की टेक्निकल भाषा नहीं आती है, अगर आती भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं अपनी सीधी भाषा में बात कहूंगा। बेसलेस कह के ये इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, यही बात है ना सर? ऐसे वकीलों के लिए हर केस एक सूट केस जैसा है, पर मेरे लिए ये मेरे दुख और आंसुओं की अभिव्यक्ति है। प्लीज मुझे मेरे दुख बताने दीजिए। जज साहब, एक भूकंप में मेरी दुकान ढह गई, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस वाले कहते हैं मेरी दुकान भगवान ने तोड़ी है, कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसने तोड़ा है वही इसका पैसा भरेगा, इसीलिए भगवान से मांग रहा हूँ। अरे मूर्ख दुष्ट प्राणी, भगवान से दुश्मनी लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। भगवान इसकी नादानियों को माफ करना, ऐसे अज्ञानी को सद्बुद्धि देना, इसे सही पथ दिखाना। भगवान इसका अहंकार माफ करना। रात को सपने में जब आकर मैं आपसे मिलूंगा, तब इस अज्ञानी और पापी के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। अरे भगवान, तुम्हारी दुकान क्यों तोड़ने लगे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, भगवान के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, वो अपने काम छोड़कर मेरी दुकान पर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप कंपनी से कहिए सर कि वो मेरे पैसे मुझे दे दे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कंपनी इन्हें पैसे किस लिए दे? योर ऑनर, मैं पेश करना चाहता हूँ कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट, एग्जिबिट नंबर 1। ऐसा है तो भगवान से पैसे दिलवाई। चलो बुलाइए उन्हें, राम को, कृष्ण को, शिव को, ओम बूम बड़म बम बड़म बड़म बूम, ऐसे आपको कई जादुई मंत्र आते हैं, बुलाइए उन्हें। ए, भगवान सिर्फ हम जैसे ज्ञानियों को दर्शन देते हैं, तुझ जैसे अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होते। कोई होगा तो आएगा ना।
धर्म के नाम पर खुली दुकानों में रोज करोड़ों का टर्नओवर होता है, उसमें से 1 करोड़ मुझे दे दो, छोटा सा हिस्सा है, अपनी दुकान के स्पेशल डिस्काउंट कूपन दूंगा। I object your honor. भगवान की निस्वार्थ सेवा को ये एक बिजनेस का नाम दे रहे हैं। सेवा? यहाँ सेवा कहाँ है सर? मंदिर के बाहर चप्पल रखने से लेकर प्रसाद मिलने तक सब कुछ बिजनेस है सर। नारियल खरीदो, फूल खरीदो, फल खरीदो, आरती करने से लेकर हवन करने के लिए अलग अलग रेट्स तय हैं। ये सब क्या है? बिजनेस ही तो है सर। फ्री में दर्शन करना धर्म है, टिकट लेकर दर्शन करना धर्म कहलाना चाहिए। रिसेशन के समय में जब दुनिया के सारे बिजनेस लॉस में जाते हैं, इनका धंधा डबल हो जाता है। मेरे जैसे कष्ट भोग रहे लोग इन्हें दक्षिणा देते हैं ताकि हमें सही रास्ता दिखा सकें। यही एक बिजनेस है सर जो कभी लॉस में नहीं जाता। ऊपर से ये लोग टैक्स नहीं भरते। क्यों स्वामी, सही कह रहा हूँ? रिलैक्स, ठीक है, एक बात मान लेते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम समय पे भरा है तो उनसे पैसे क्यों नहीं मांगते? ये स्वामी तुम्हारा नुकसान क्यों भरेंगे बोलो? क्योंकि मैं इनको भी प्रीमियम भरता आया हूँ। What? What nonsense you're talking? मैं जानता था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं अपने साथ इसका प्रूफ लाया हूँ। पिछले 18 सालों से जितने मंदिरों में दक्षिणा के नाम पर प्रीमियम भरता आया हूँ, उन सबकी रिसीट लाया हूँ। इनमें से कुछ अपनी माताजी के कहने पर भरे और कुछ दक्षिणा अपनी पत्नी के कहने पर। ये देखिए, मेरी जिंदगी का पहला प्रीमियम 1,100 रुपए, उस वक्त तिरुपति के मंदिर में पे किया था। और भी कहीं है, गणपति के स्टॉल के लिए हर साल 5,000 रुपए का चंदा देता हूँ। उसे स्टॉल नहीं कहते मूर्ख, उसे पंडाल कहा जाता है। जानता हूँ, 3 साल पहले मेरी दादी सीढ़ियों से गिरी, डॉक्टर्स ने उम्मीद खो दी थी। एक पंडित ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करवाइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने जाप करवाया, दादी ऊपर चली गई और 30,000 खड्डे में। और सुनिए, दरगाह के लिए चादर, चर्च के लिए कैंडल्स, मंदिर में अगरबत्तियां, आश्रम में चंदे, पिछले 15 सालों में मैं इन सारी दुकानों पर 10 लाख से ऊपर खर्च कर चुका हूं। तेरा सर्वनाश होके रहेगा। इन पवित्र स्थलों को दुकान कहकर तू उनका अपमान कर रहा है। ये सब ईश्वर के घर हैं, जहां लोग अपने परिवार की सुख सुरक्षा के लिए चंदा देते हैं। तो फिर मेरे परिवार की सुरक्षा का क्या? उसके लिए तुम्हें भगवान से बात करनी पड़ेगी। स्वामी जी से बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा, ख्याल नेक है, आपके पास मोबाइल तो होगा, बताएंगे उसमें कौन सा सिम है? रिलायंस। मान लीजिए आपका सिम काम नहीं कर रहा है, तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे या फिर सीधा अंबानी को फोन लगाएंगे कि मुकेश भाई, मुकेश भाई, मारो सिम, चाल से नहीं। वाह, ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा मतलब ये स्वामी भगवान के ऑफिसर्स हैं? नहीं, ये किस एंगल से ऑफिसर्स हैं? नहीं नहीं, ये तो इनके चेहरे को देख के तो लगता है कि ये सेल्समैन छे, भगवान के कलेक्शन एजेंट। न्यायाधिपति जी, ये मूर्ख अधर्मी और नास्तिक है, इस अधम को तनिक भी आभास नहीं है ये क्या कह रहा है। हम संत हैं, हम तो इसे क्षमा कर देंगे, परंतु इतने घोर पाप के लिए ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे। अगर अपने मन में भगवान के लिए क्रूरता रखेंगे तो जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या तेवर है बाप, मेरे लिए चिंता हो रही है या फिर जज के सामने मुझे धमकी दी जा रही है? हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा है तो मेरा पैसा देकर के मैटर क्लोज कीजिए। दिस इज इनफ माय लॉर्ड, एविडेंस के नाम पर इनके पास डोनेशंस के कुछ रिसीट्स हैं। भगवान और इनके बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। गोपाल राव के तर्क मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टूपिड लगते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पे केस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। नानी वाच है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है सर। मेरी वो दुकान मेरे लिए अन्नदाता थी, माँ जैसी थी। छोटा था तो पापा को खोया, पर कभी रोया नहीं, बस थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन जब अपनी दुकान खोई तो बहुत रोया, पर डरा नहीं, क्योंकि मुझे आप पर यकीन था। यह मंदिर के पुजारी ढेर सारा चंदा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, और बीमा कंपनी कहती है कि टाइम पर प्रीमियम भरेंगे तो लॉस होने पर हमारी मदद करेंगे। जीवन भर इन्हें दान दिया, प्रीमियम भी भरा, लेकिन आज दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा परिवार तो सड़क पर आ जाएगा सर, मेरे बेटे का ना बचपन रहेगा और ना ही कोई फ्यूचर बन पाएगा सर, जीने का कोई सहारा नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे अपने इस केस को इस कोर्ट के सामने रखने का एक मौका दीजिए सर। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है।
खासकर जब उसकी दुकान उसका एकमात्र कमाने का जरिया हो। ये कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करती है। पेटिशनर को कंपनसेशन कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से, भगवान के खास भक्तों से, या फिर किसी और से? ये कोर्ट में पेश होने वाले एविडेंस और आर्गुमेंट्स के आधार पर निर्भर करता है। द कोर्ट इज एडजर्न। सरकारी क्षेत्र है, यहाँ तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, परंतु यहाँ से निकलने के पश्चात स्वयं की रक्षा कैसे कर पाओगे? तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, ये मनुष्य न्यायालय में विश्वास रखता है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो यहां भी होंगे। ईश्वर हर मनुष्य में बसते हैं, इसमें भी ईश्वर है। ईश्वर पर घात नहीं करते। सुन राजू, मैं वकील से मिल के आता हूँ, तो उसी तो घर जा। ठीक है गुरुजी। कोर्ट ने गोपाल राव का एक्ट ऑफ गॉड केस एक्सेप्ट कर लिया है। कई सारे धार्मिक संगठन के साथ साथ आम जनता भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही है। ईश्वर भक्ति से काम नहीं चलेगा, भगवान का डर होना भी आवश्यक है। यह करोड़ों का बिजनेस है। भूपाल, क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। सुन बे, अपने आदमियों ने तैयारी कर ली है ना? दो कौड़ी का आदमी ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, समझ गया? थैंक्स अकबर भाई। चाय अच्छी थी बेटी। इस युद्ध में तुम अकेले हो, ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का बिजनेस है। तुम शायद नहीं जानते, पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। जी ठीक है, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज़।